तो क्या हो अगर ये जो डिजायर्स है इसको आप खुद चूज करो, खुद प्लांट करो। जैसे एक सीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो डिजायर्स पड़े हुए हैं वो कैक्टस के जैसे, कि वहां मरना ही मरना है। अभी राइट डिजायर क्या है और रॉन्ग डिजायर क्या है आराम से समझ लेना, आराम से ठंडे दिमाग से। कुछ भी पाने का डिजायर ये रॉन्ग डिजायर है, अपने आप को कैपेबल बनाने का डिजायर, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का डिजायर, अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको अचीव करने का डिजायर। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ये सब क्या है जाने अनजाने अगर डिजायर आपके अंदर प्लांट नहीं हो। घर में डायलॉग सुने नहीं सुने, पैसा है और क्या। तो बड़ा आदमी मतलब जिसके पास पैसा बड़ा है, क्या वो एक्चुअल में बड़ा है? हो सकता है उसकी सोच दो कौड़ी की हो। तो सोच की क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में? अंदर से बंदा कैसा है उसकी क्या वैल्यू है? जीरो। तो जिसकी वैल्यू जीरो है एक्चुअल में वही लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी सोच सही तो आपकी लाइफ सही, आपकी लाइफ सही तो आपके आसपास वाले लोगों की लाइफ सही। Somebody who is peaceful from within, absolutely calm within, वही तो किसी और इंसान के जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके साथ में कुछ अच्छा कर सकता है। जिसके अंदर पहले ही उजाल है, मतलब वो वंडर चल रहा है, तो जब भी किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा वो एक ही बात सोच रहा होगा, मैं इसको कैसे यूज करूं अपना वो पूरा कर, जो चीज मुझे चाहिए उसमें ये काम का है या नहीं। काम का है तो आपके लारे लप्पे करेगा, नहीं है तो आपको साइड में करेगा। ऐसी नहीं है दुनिया, काम निकालने के बारे में सोचते थे ऐसे बनना चाहिए, या फिर ऐसे बनना चाहते हो कि कहीं पर बैठे हो किसी के साथ में, अब वो चाहे अमीर है गरीब है, या रोड के साइड में बैठ करके चाय पी रहे हो, घंटों तक बैठे हो, बैठ करके देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ये ऑब्जर्व करने के लिए अंदर एक ठहराव होना चाहिए आपका। जो ये जो आप करने वाले हो ना, जो थोड़ा सा अलग होगा, ये पूरी जिंदगी के लिए आपको मोटिवेट करता है।